पीओके के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी गीदड़ भभकी सामने आई है। जी इमरान खान से भारत पर हमले की मांग कर रहे हैं। पीओके के प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर की ये मांग है, पाकिस्तान से की जाइए, आप भारत पर हमला करिए। पीओके के पीएम की ये गीदड़ भभकी मेजर गौरव आर्या, सीरियसली कितना लिया जाए? मैं कह रहा हूं पूरे बिल्कुल हम मेजर गौरव आर्या से इस सवाल का जवाब लें, लेकिन एक रिपोर्ट दर्शकों तक पहले हम पहुंचा दें, कहां से इसकी शुरुआत हुई और क्या प्रतिक्रिया आई है और पीओके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तथाकथित, उन्होंने क्या टिप्पणी की है, फिर मेजर गौरव आर्या से एक प्रतिक्रिया लेंगे सीधी। पीएम मोदी से डरा पीओके का पीएम, पीओके के प्रधानमंत्री की गीदड़ भभकी, भारत पर हमला करने की धमकी दी, कायर ने दी भिखारी खान को सलाह। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब पाकिस्तानियों के बुरे दिन आते हैं तब वो भारत को याद करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल है पीओके के प्रधानमंत्री रजा हैदर का। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री रजा फारूक हैदर ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से भारत पर हमला करने की सलाह दी है। तो इमरान खान सब क्या, तो आपने हुक्म दिया कि भाई देखो तो खुद भी बने ना, बने और मतलब है कश्मीर के ऊपर जो है वो एक फैसला कुन जो है रोल अख्तियार करे, ये बयानात से बात नहीं होगी। फौज को अपनी फौज को हुक्म दे, फौज आपके हुक्म के मुंतजर है, ये कौम आपके मुंतजर है, आगे बढ़े और उन्हें मजलूम भाइयों के लिए जो है बेटियों के लिए, वो आपकी बेटी है इमरान खान साहब, वो आपके भाई है, वो आपकी माँ है, वो आपकी बहने हैं, वो सिर्फ मेरी हम लोगों की माए बहने बेटी नहीं, आपकी भी उतनी है। पाकिस्तान को आज कोई भीख देने को तैयार नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पर अवैध रूप से कब्जा जमाने वालों का हिसाब जरूर एक दिन पूरा होगा। प्रधानमंत्री भिखारी खान अपने लोगों के लिए खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो इमरान खान करोड़ा लेकर अलग अलग देशों से भीख मांगता फिर रहा है, जिसे कोई देश भीख देने को राजी नहीं है, उस कटोरा खान से पीओके के पीएम ने भारत पर हमला करने के आदेश देने की मांग की है। आगे बढ़े ना, और वो उसको जो ये बात कहता है कि मौसम का हाल इंशाल्लाह, उसको हम दिल्ली का हाल इंशाल्लाह तलब दिल्ली का हाल दिखाएंगे उसको। ये जैसे बैतुल मुकद्दस जो आज गियार के कब्जे में है, इसी तरह से दिल्ली भी गियार के कब्जे में, इंशाल्लाह उसको भी हमने आजाद करवा। राजा फारूक हैदर एक बात समझ लो और अपने दिमाग में बिठा लो कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो हमारा है और वो हम लेकर रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें पीओके लेने से नहीं रोक सकती है। मौसम विभाग ने पीओके के मौसम की जानकारी क्या दी, पाकिस्तान को पीओके खोने का डर सताने लगा, आसमान में पाकिस्तानी विमान मंडराने लगे हैं। जब भी हिंदुस्तान अंदर दाखिल होगा, शेर की तरह दाखिल होगा और पाकिस्तान से अपना कश्मीर वापस लेकर ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रजा फारूक हैदर इमरान खान से भारत पर हमले की मांग कर रहे हैं। मेजर गौरव आर्या लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर, इनसे कोरोना वायरस से तो जंग लड़ी नहीं जा रही है, ये भारत से क्या जंग लड़ेंगे? देखिए, वो भी पॉलिटिशियन है और वहां पे इलेक्शंस नहीं होते। जो इनका सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है ना, पीओके, तो वहां पे अपॉइंटेड रहते हैं और ये लोग जो अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीरी है भी नहीं, इनको आती भी नहीं। ये जो साहब हैं जो थ्रेटन कर रहे थे कि लड़ाई वड़ाई कर देंगे, ये खुद ये कश्मीरी बोलना नहीं जानते, तो वहां पे ज्यादातर पहाड़ी बोलते हैं या पंजाबी का कोई वेरिएशन बोलते हैं। कश्मीरी बोलने वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ना के बराबर 1-2% है। कश्मीरी नहीं बोलते ना, ये कश्मीरी खाना खाते हैं, ये झूठ अपने आप को कश्मीरी, ये सारे मीरपुर वाले और सारे ये अपने मुजफ्फराबाद वाले सब अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं, दे आर नॉट कश्मीरीज, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि ये इनको बताना कि साहब ये हिंदुस्तान पर जंग करते, तो मैं इनसे ये बोलना चाहता हूं, आपको किसने रोका है साहब? क्या मोदी जी की तरफ से आपको इनविटेशन चाहिए, कोई आपको कार्ड जाएगा, तब आप अटैक करेंगे? आपको किसने रोका है? आपकी फौज में हिम्मत नहीं है, होती तो कर लेते। बाजवा साहब ने एक्सटेंशन लिया, जनरल बाजवा इनके आर्मी चीफ, इन्होंने एक्सटेंशन लिया 3 साल का कि साहब मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है और एक्सटेंशन मुझे दे दो। इमरान खान क्योंकि सिलेक्टेड था, इमरान खान ने एक्सटेंशन दे दिया। 3 साल का एक्सटेंशन लेने के बाद बाजवा साहब हो गए गायब। कहां है बाजवा साहब? इनका आर्मी चीफ असल में हाफिज सईद है,
बाजवा इनका आर्मी चीफ है ही नहीं, इनका मौलाना मसूद अजहर इनका आर्मी चीफ है, बाजवा इनका आर्मी चीफ है ही नहीं। तो ये जो गुहार लगा रहे हैं इमरान खान से, ये अगर गुहार लगाएंगे हाफिज सईद से कि तुम हमारे आका हो, तुम हमारे लीडर हो, तुम कुछ करो, तो हो सकता है वो कुछ कर कुरा दे। ये आर्मी चीफ और इमरान खान से इनके बात करना बेकार है वैसे भी। बिल्कुल, तो पाकिस्तान में देखिए गदर मचा हुआ है और मेजर गौरव आर्या भारत में यहां बैठे हुए, लेकिन कहां हड़कंप है तो पाकिस्तान में पुतले फूके जा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोग बहुत खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं। और अभी मेजर गौरव आर्या का मैं ट्विटर हैंडल देख रहा था, लगातार सैकड़ों हजारों की तादाद में बलूच लोगों ने इनको भर भर कर सलाम भेजा है। तो ये है मेजर गौरव आर्या, और भारत के एक मेजर ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया, एक मेजर पाकिस्तान पे भारी।